नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के कुछ ऐसे जबरदस्त थ्रिलर शोज जो आपको भाई डेफिनेटली मजा देंगे। पूरे टाइम आपके दिमाग में चलता रहेगा कि मेन कैरेक्टर के साथ होने क्या वाला है। और साथ ही इन सारे शोज की एक खासियत है कि ये सारे शोज लिमिटेड शोज है। लिमिटेड से मेरा मतलब है कि सारे शोज एक ही सीजन के अंदर निपट गए, इनका कोई फ्यूचर सीजन नहीं आने वाला है। तो इनकी जितनी भी कहानी सारी एक ही सीजन के अंदर खत्म हो जाती है, तो आपको कोई फ्यूचर सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा इनको खत्म करने के लिए, जो कि देखा जाए तो मेरी नजर में तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपको कम समय के अंदर जबरदस्त लेवल का थ्रिल एक्सपीरियंस मिल जाता है। खैर, अब इंट्रो में ज्यादा बात नहीं करते, मेरे को पता है वीडियो स्किप करने लग जाओगे, तो इससे बढ़िया हम लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज के पहले शो का नाम है इनसाइड मैन, और ये वाला शो 2022 के अंदर आया था। अब इस शो के अंदर क्या दिखाया, मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखाए हैं। एक पादरी होता है, एक लेडी होती है जिसको किडनैप कर लिया गया होता है, और एक कैदी होता है जिसको मौत की सजा सुना दी गई होती है। तो ये तीनों कैरेक्टर्स अलग अलग जगह पे अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं, लेकिन तीनों कैरेक्टर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लग जाती है। शो देखते हुए भाई बिल्कुल पता नहीं चलता है कि किस तरीके से कनेक्ट होने वाले हैं, लेकिन हो जाते हैं धीरे धीरे चलते हुए कनेक्ट। और जिस तरीके का शो का एंड होता है भाई, वो तो दिमाग में आता ही नहीं है। अब देखो भाई, ये तो शो की मोटे मोटे कहानियां पॉजिटिव बता दिया, लेकिन अगर नेगेटिव की बात करी है तो शो के अंदर जो कहानी दिखाई है कुछ हद तक अनबिलीवेबल हो जाती है। जो कैरेक्टर साथ हो रहा होता है, जो कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, हकीकत में वैसा शायद ही कोई करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो कहानी दिखाई है थोड़ा अनबिलीवेबल अलग चीज हो जाती है। लेकिन जिस तरीके का शो के अंदर स्क्रीन प्ले है, जिस तरीके का काम कर रहा है एक्ट्रेस ने, जिस तरीके का पूरा माहौल बना दिया जाता है, पूरे दिमाग में चलता तो रहता है कि मेन कैरेक्टर के साथ होने के वाला है। तो ये वाला शो आप देखना कंसीडर कर सकते हो। डिसेंट सा मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, और सिर्फ 4 एपिसोड के साथ आता है। मेरे को लगता है 4 एपिसोड लाइक तो डेफिनेटली वाला शो है, आपको बोर तो नहीं करेगा, इस बात की तसल्ली जरूर रखना। तो अगर आप ये देखना कंसीडर करो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले शो की तरफ, और ये वाले शो ने तो भाई दिमाग के अंदर हलचल मचा के रख दी थी। दिमाग ऐसे फटने लगा था ये शो देखते देखते, समझ ही नहीं आ रहा था कि शो के अंदर चल क्या रहा, एंड में क्या होगा। इस शो का नाम है द वॉचर, और ये वाला शो 2022 के अंदर आया था। और इस शो के अंदर भाई कॉन्सेप्ट दिखाया है, थोड़ा डरावना भी है, थोड़ा क्रीपी भी है, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात कि ये एक्चुअल केस के ऊपर बना है। इसके अंदर क्या दिखाया कि फैमिली होती है जो कि काफ़ी बड़ा आलीशान घर खरीदते हैं, और काफ़ी महंगी जगह पे होता है, मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा महंगा होता है। तो ये लोग जब अपने घर के अंदर मूव हो जाते हैं, तो इनके घर पर कुछ लेटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर इनके घर की तारीफ करी होती है। और जो लेटर होते हैं भाई, उनके एंड में जो द वॉचर का साइन होता है। अभी घर का मालिक जो होता है भाई, शुरुआत में तो उसको ऐसा लगता है कि इसके घर देख के कोई जल रहा है, और लोग इसको देख के अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो उसको एक तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भैया मैंने अच्छी चीज़ खरीद ली है। लेकिन भाई इंटरेस्ट यहाँ पर तब आने लग जाता है जब वही लेटर्स ज़्यादा ज्यादा पर्सनल होने लग जाती है। भाई वो लेटर्स के अंदर कुछ ऐसा लिख के आने लग जाता है जो मेन ओनर होता है, जो फादर होता है उस फैमिली का, जो मेन लीडर होता है, उसके दिमाग में भाई पूरे टाइम हलचल ये चलती रहती है कि वो लेटर भेज कौन रहा है। ना वो सही से सो पाता है, ना अपनी फैमिली से सही से बात कर पाता है, पूरे टाइम उसको यही लगता रहता है कि कोई ना कोई उसके ऊपर नजर रखा हुआ है। और उसके दिमाग में बस यही होता है कि किसी भी तरीके से वो ये पता लगा सके कि वॉचर है कौन। अब आपको जानना है भाई ये वॉचर कौन है, उस फैमिली के साथ क्या होता है, इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, इस शो के सिर्फ 8 एपिसोड है, लेकिन 8 एपिसोड पूरे टाइम के दिमाग में सरदर्द होता रहेगा कि भाई चल क्या रहा है शो के अंदर, एंड कैसा होगा। अब शो की अगर थोड़ी एंडिंग के बारे में बात ही कर ली जाए, तो उसकी एंडिंग उतनी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं लगती है, लेकिन एंड तक पहुंचने का जो सफर होता है लाजवाब, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल का थ्रिल एक्सपीरियंस होता है। दिमाग में भाई ऐसे पूरे टाइम हमारे भी चलता रहता है कि चल क्या रहा है इस बंदे के साथ। तो सीरियसली दोस्तों, एक बार ये शो जरूर रिकमेंड करूंगा, अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ये वाला शो भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में ही देखने को मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ, और ये वाला शो मैंने बहुत ही रिसेंटली देखा है। इस शो का नाम है डियर चाइल्ड, और ये वाला शो 2023 का ही है। ये वाला शो भी भाई अलग ही लेवल की मिस्ट्री एक्सपीरियंस कराएगा। वैसे तो भाई मैं शो को पहले इग्नोर मानने वाला था, लेकिन काफी लोगों ने कमेंट्स के थ्रू बोला कि भाई ये वाला शो देखो, तो मैंने देखा, और मेरे को सीरियसली भाई शो कमाल का लगा। शो की कहानी के बारे में बात करें तो शो की कहानी मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि शो की कहानी ट्रेलर वगैरह के अंदर भी ज्यादा रिवील नहीं करी गई है। लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि शो है किस बारे में। तो एक लेडी होती है जो कि एक सड़क पर भागते भागते अचानक से ट्रक से टकरा जाती है, और उसके पास एक बेटी होती है जो कि उसी की बॉडी के पास कोने में खड़ी होती है और एम्बुलेंस का इंतजार कर रही होती है। एम्बुलेंस आती है, उस लड़की की हेल्प करती है और छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले जाती है। अब जब भाई वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है, तो भाई पुलिस को पता चलता है कि ये एक ऐसी लड़की है जो 13 साल पहले गायब हो चुकी थी। और उसके बाद शो के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन वाला मामला शुरू हो जाता है कि ये लड़की कौन है, और ये बच्ची कौन है, और इसकी जो हालत है ये कैसे हुई, किसने करी, और ये 13 साल तक कहाँ थी। तो आपको जानना भाई ये वाली सारी मिस्ट्रीज कैसे सॉल्व होती है, इन सब का जवाब आपको शो के अंदर मिलेगा। इस शो के सिर्फ 6 ही एपिसोड देखने को मिलेंगे, और जिस तरीके से भाई हर एक एपिसोड डिजाइंड है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। हर एक एपिसोड ऐसे खत्म होता है कि आपके अगले एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बन जाती है ये जानने के लिए कि भाई कैरेक्टर साथ चल क्या रहा है। लेकिन इस शो का भी मेरे को पर्सनली एंड उतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं लगा, एंड शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन जो मिलता है अच्छा ही है, थ्रिल तो एक्सपीरियंस करने को मिल ही जाता है। और सीरियसली बता रहा हूँ, एंडिंग अगर थोड़ी बेहतर होती है शायद फेवरेट शोज में से एक बन जाता, लिमिटेड शोज के बारे में बात करी जाए तो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा, आप डिसअपॉइंट भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाले उससे, और ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले शो की तरफ, और शो का नाम है द स्ट्रेंजर। ये वाला शो 2020 के अंदर आया था। अब शो के अंदर मिस्ट्री बहुत सारी एक्सपीरियंस करने को मिलती है, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्ट्रीज है, सब एक साथ सॉल्व हो रही होती है। सारे कैरेक्टर उन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वो सॉल्व होते होते एक बड़ी मिस्ट्री बन जाती है, जिसकी वजह से ये वाला शो भाई हमको इन्वेस्ट करने में काफी
ज्यादा कामयाब हो जाता है। कहानी का आइडिया तो भाई शो के अंदर कुछ फैमिलीज दिखाएं जिनके अंदर अपने अपने कुछ सीक्रेट्स हैं, लेकिन वो सारे सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर होने लग जाते हैं जब एक स्ट्रेंजर आके उनकी फैमिली मेंबर्स को उनके सीक्रेट्स बताने लग जाता है, मतलब बताने लग जाती है लड़की होती है इस केस में। तो जब उनके सीक्रेट्स उनकी फैमिली के बीच रिवील होने लग जाते हैं तो उनकी फैमिली के बीच ना कुछ अनबन होने लग जाती है। और इसी तरह एक प्राइस नाम की फैमिली होती है जिसके अराउंड ही पूरी कहानी घूमती रहती है, उसकी फैमिली में भी एक सीक्रेट होता है जो कि रिवील हो जाता है। और उसके बाद इस फैमिली के साथ कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जो आपको पूरे टाइम हुक करके रखते हैं और हमारे दिमाग में चलता रहता है कि एंड कैसा होगा, ये सोचने में मजबूर रहता है भाई हमारा दिमाग भी। शो के सिर्फ 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और करीब 30 से 50 मिनट के सारे एपिसोड है, तो 6-6.5 घंटे में शो खत्म भी हो जाता है। शो के अंदर कैरेक्टर्स भी काफी अच्छे तरीके से सेटअप करे जाते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक करे जाते हैं जिसकी वजह से शो एंगेजिंग काफी ज्यादा लगता है। तो जरूर देखो भाई, आपके दिमाग में पूरे टाइम चलता ही रहेगा कि स्ट्रेंजर है कौन, ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है और इन लोगों के साथ क्यों कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस लड़की को इन लोगों के इतने डार्क सीक्रेट्स कैसे पता चल रहे हैं, ये सारे सवाल पूरे शो के अंदर आपके दिमाग में पूरे टाइम चलते रहेंगे। तो मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगा एक बार देखने के लिए। ये वाला शो आपको नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिल जाएगा और हिंदी में भी अवेलेबल है। हम बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले शो की तरफ। फर्स्ट शो का नाम है क्लिक बेट। ये वाला शो 2021 में आया था। इसके अंदर क्या होता है, निक ब्रूअर नाम का बंदा होता है जिसको किडनैप कर लिया जाता है और उसको किडनैप करके उससे वीडियो रिकॉर्ड करवाई जाती है जिसके अंदर वो कन्फेस कर रहा है कि हाँ उसने एक मर्डर करा है। अब वो वाली वीडियो जिसने उसको किडनैप करा होता है इंटरनेट पर डाल दी होती है। यहाँ तक बात चलो ठीक है, बंदे ने अपना गुनाह कन्फेस करके इंटरनेट पर वीडियो डाल दिया सब। लेकिन भाई यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अगर उस वीडियो के ऊपर 5 लाख व्यूज आ गए तो उसको निक ब्रूअर को बंदे को वो किडनैपर लाइव मार देगा नेट पे ही। तो अब क्या निक ब्रूअर बच पाता है या फिर नहीं बच पाता है, पुलिस क्या कर पाती है, उसकी फैमिली की क्या हालत होती है, वही किडनैपर ने उसको किडनैप ही क्यों करा है और किडनैपर है कौन, इन सब का जवाब आपको शो के अंदर मिलेगा। जैसे जैसे ही वाला शो देखते जाओगे भाई हर एक एपिसोड के साथ आपको एक दिमाग में नया सवाल बनता जाएगा जिसकी वजह से शो और भी ज्यादा इंगेजिंग होता जाता है। और शो के अंदर जो मिस्ट्री का लेवल है भाई वो भी लाजवाब है। शो की जो एंडिंग होती है भाई दिमाग में आती ही नहीं, इस तरीके से एंड होता है। तो जरूर रिकमेंड करूंगा ये वाला शो भी एक बार देखने के लिए। ये वाला शो भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा और हिंदी में भी अवेलेबल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शो की तरफ। फर्स्ट शो का नाम है द इनोसेंट। ये वाला शो 2021 के अंदर आया था। अब शो के अंदर क्या होता है कि एक मैटियो नाम का बंदा होता है जिससे एक एक्सीडेंटल क्राइम हो जाता है, मतलब वो चाह नहीं रहा होता लेकिन उसका क्राइम हो जाता है, उसकी वजह से उसको जेल तक हो जाती है। फिर वो बंदा जेल में चला जाता है और जेल के अंदर अब 4 साल बिता के जेल से बाहर आता है। अब वो सोचता है कि अपनी जिंदगी बेहतर बनाया जाए, एक बेहतर जिंदगी जी जाए, लेकिन भाई उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोचा होता है। एक मर्डर हो गया होता है जिसकी कड़ी कहीं ना कहीं किसी तरह से उससे कनेक्टेड होती है। अभी लिंक कैसे कनेक्टेड होती है और उस बंदे के साथ क्या होता है, इन सब का जवाब आपको शो के अंदर मिलेगा। अब देखो भाई शो के अंदर थ्रिल बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलेगा। जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होगा इस शो भाई दिमाग में हलचल मचा के रख देगा और आपका दिमाग पूरे टाइम यही सोचता रहेगा कि अब होगा क्या। लेकिन भाई शो के 8 एपिसोड है और 8 एपिसोड बहुत ज्यादा स्लो पेस है। कई बार एपिसोड देखते देखते ऐसा भी लगता है कि शो बहुत ज्यादा ड्रैग्ड हो रहा है और आपका शायद हटाने का भी मन करने लगे। लेकिन अगर इस शो को आप एक एक एपिसोड करके देखो, एक दिन में एक देख लिया, फिर कुछ दिन छोड़कर दूसरा एपिसोड देख लिया, अगर आप इस तरीके से देखोगे काफी ज्यादा चांसेस है ये वाला शो आप एंजॉय कर लो। इस शो का थ्रिल एलिमेंट काफी ज्यादा तगड़ा है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको एक फ्लो में देखो क्योंकि शो फिर आपको बोर ज्यादा करेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर टुकड़ों में देखोगे तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव शो है, आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस शो का जो कंफ्यूजन है, शो का जो थ्रिल, आपको डेफिनेटली पसंद जरूर आएगा। तो ये वाला भी शो एक बार देखना जरूर कंसीडर करना। ये वाला शो आपको नेटफ्लिक्स पे ही हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के आखिरी शो की तरफ और ये वाला शो भाई इस लिस्ट का सबसे बेस्ट शो है, मतलब मेरी नजर में तो है। इस शो का नाम है बिहाइंड हर आईज। ये वाला शो 2021 में आया था। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये वाला शो मैं चैनल पर पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं, लेकिन वो वाला वीडियो सभी ने नहीं देखा होगा, तो ये वाला वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको इस शो के बारे में जरूर पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। कहानी के बारे में बात करें तो इस शो की कहानी घूमती है एक लड़की के अराउंड जिसका एक छोटा सा बेटा होता है, वो साइकाट्रिस्ट के ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब करती होती है। कहानी यहाँ पर इंटरेस्टिंग तब होने लग जाती है जब उसके बॉस से उसका अफेयर होने लग जाता है। दिक्कत तब बढ़ने लग जाती है जब उसकी बीवी से उसकी दोस्ती भी हो जाती है। अब ऐसा कौन करता है ये तो नहीं पता, लेकिन इस शो के अंदर हो जाता है। उसके बाद इस शो के अंदर क्या क्या होता है भाई आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब मैंने जितना बता दिया आपको ऐसा लगेगा कि आपको मेजर प्लॉट पता चल गया, तो इस शो को अब क्यों ही देखना। लेकिन भाई इस शो को एक बार टेस्ट करके देखो, इस शो आपको बार बार सरप्राइज करेगा। ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि फिर फ्लो खराब हो जाएगा, आपका जो मोमेंट होगा, जो एक सरप्राइजेज आएंगे शो के अंदर खराब हो जाएंगे। सीधे देखना, मेरे रिकमेंडेशन पे बस एक बार देख लेना। तो इस शो को एक बार अपने दिमाग से खेलने का जरूर मौका दो भाई, आपको परम सुख की प्राप्ति जरूर होगी। और जैसा आप समझ सकते हो ये वाला शो भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगा। खैर तो दोस्तों ये कुछ शोज थे जो मेरे को इस वीडियो के द्वारा रिकमेंड करने थे। अगर आपके दिमाग में कोई और शो है नेटफ्लिक्स का लिमिटेड शो जो आप चाहते हो लोगों को पता चलना चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अभी की वीडियो में दोस्तों यहीं पे खत्म करता हूँ। अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज योर मनी साइनिंग ऑफ।